नमस्कार। आज मैं ठनका से बचने के उपाय के बारे में आप लोग को बताऊंगा। पहला उपाय है कि हमें जब भी बिजली कड़क रही हो उस समय ऊंचे पेड़ के नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊंचे पेड़ अथवा ऊंची इमारतें बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा है कि हमें ठनका ठनकते वक्त कभी भी मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा है कि हमें बिजली कड़कते समय हमेशा ऐसे मजबूत छत के नीचे कमरे में शरण लेना चाहिए जो कि पूरी तरह सुरक्षित हो, अर्थात जिसकी दीवारें छत वगैरह मजबूत हों और हम कमरे में रहें। चौथा है कि अगर हम बस में अथवा कार में सफ़र कर रहे हों तो उनकी खिड़कियां बिल्कुल बंद होने चाहिए और दरवाज़े भी बंद होने चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर बिजली गिरती है तो उसका प्रभाव गाड़ी के बाहर ही रहेगा, भीतर होने की संभावना कम रहेगी। अगला है कि हमें नदी या तालाब से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो उसे गिरने का चांसेस ऊंचे पेड़, ऊंची इमारतें अथवा नदी या तालाब हो सकते हैं। अगला है कि हमें हम अगर किसी खुले मैदान में हों तो हमें अपने दोनों घुटनों को इस तरह से सटा लेना चाहिए, पैरों के नीचे रबड़ या प्लास्टिक के जूते अथवा चप्पल पहन लेना चाहिए, कान को बंद करके अपने शरीर को जहाँ तक हो सके छोटा से छोटा करके इस तरह से सर को झुका लेना चाहिए ताकि बिजली का प्रभाव हमारे शरीर पर कम पड़े। वैसा स्थिति में हमारे शरीर का क्षेत्रफल कम हो जाता है और बिजली गिरने की संभावना कम हो जाती है। अगला है कि अगर हम लोग समूह में रहें तो दूरी बना करके हम लोग यह काम कर सकते हैं। ठनका ठनकते समय हमें कभी भी खुले आकाश के नीचे लेटना नहीं चाहिए, ऊंचे भवनों या किसी भी प्रकार के भवन हों उनमें ताड़ित चालक लगे होने चाहिए ताकि अगर बिजली गिरे तो ताड़ित चालक के द्वारा होते हुए वह ज़मीन के अंदर चला जाए। इन सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे और आशा करते हैं कि वज्रपात से बचने के उपाय हम लोग करेंगे, क्योंकि यह एक प्राकृतिक आपदा है और इससे बचना सबों को ज़रूरी है। धन्यवाद।